कनाडा से तीन इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपका कनाडा का वीजा और कनाडा को ट्रैवल करना इंपैक्ट कर सकता है। सबसे बड़ा अपडेट है स्टूडेंट वीजा, दूसरा जो अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू वर्क परमिट या वर्क वीजा, और तीसरा जो है वो है LMIA बेस्ड वर्क परमिट को लेके। तो क्या है तीन अपडेट्स जो इंपैक्ट करेंगे आपका कनाडा का वीजा और कनाडा का ट्रैवल, हमारे साथ देखिए आज की इस वीडियो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मेरा नाम है जॉनी हंस, मैं हूँ एक पोएट, ब्लॉगर और कनाडा से CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। खैर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन नए अपडेट्स जिनकी वजह से आपका कनाडा का वीजा इंपैक्ट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम करते हैं वो है सबसे पहले स्टूडेंट वीजा को लेके। जैसे आपको पता है कि अटेस्टेशन लेटर जरूरी है अब स्टूडेंट वीजा कनाडा का लेने के लिए, और ऑन्टेरियो के अटेस्टेशन लेटर की सबको इंतजार था। ऑन्टेरियो ने अपना स्टांस बहुत क्लियर कर दिया है कि जो अटेस्टेशन लेटर्स हैं वो डायरेक्टली कॉलेज या यूनिवर्सिटी ही आपको लेने में हेल्प करेगी। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपको उन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया है किसी कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ने, पब्लिकली सपोर्टेड और पब्लिकली असिस्टेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने, तो आप अपने अटेस्टेशन लेटर के लिए उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एडमिशन काउंसलर को कनेक्ट करेंगे किसी सेपरेट प्रोसेस के लिए। यहीं पे अगर क्यूबेक में आप करते हैं तो आपको सेपरेटली CAQ अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करते, आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री को अप्लाई करते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये भी साथ साथ में बोल दी है कि 96% जो अटेस्टेशन लेटर्स हैं वो पब्लिकली असिस्टेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को दिए जाएंगे, उसमें भी स्किल ट्रेड, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, जो हाई डिमांड जॉब्स हैं उन्हीं से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनमें इशू किए जाएंगे। पर हाँ, उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स, स्टेम प्रोफेशनल्स, ये सारी चीजों को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, करियर कॉलेजेस, उनको तो दिए ही नहीं जाएंगे फिलहाल जो अटेस्टेशन लेटर है, तो प्राइवेट कॉलेजेस का तो बहुत ही मुश्किल हो गया है काम, ये बात सही है। पर हाँ, पब्लिकली असिस्टेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ये लेटर्स इशू हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज और मास्टर्स के प्रोग्राम है, वहां पे अटेस्टेशन का कोई चक्कर नहीं है, तो आप उनमें एडमिशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर एडमिशन से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो है वर्क वीजा से। वर्क वीजा भी स्पेसिफिकली वर्क परमिट, विच मींस जब कनाडा में आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। विच मींस कि पहले क्या होता था कि जब आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करते थे तो आपके पास 120 दिन होते थे जब तक उनका डिसीजन आता है आप काम कर सकते थे। अब उन्होंने ये चीज एक्सटेंड कर दी है, विच मींस कि आप वेट कर सकते हैं अप टू 180 डेज। अगर इसको 30 के साथ आप डिवाइड करते हैं तो पहले जो था वो ऑलमोस्ट सिर्फ 4 महीने तक वेट कर सकते थे, ठीक है, 30 × 4 = 120 डेज। बट अब वो 4 महीने की जगह अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आप 6 महीने तक वेट कर सकते हैं। जी हाँ, सो आप 6 मंथ्स तक वेट कर पाएंगे जब तक आपका वर्क परमिट आता है। वैसे ज्यादातर केसेस में इससे ज्यादा टाइम लगता नहीं, उससे कम टाइम में आ जाता है, पर हाँ आप अपने वर्क परमिट ऑथराइजेशन के साथ अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इन अ वे अगर आपका वर्क परमिट लेट होता है तो एक्स्ट्रा 6 महीने आपको आपके वर्क परमिट की ड्यूरेशन में मिल सकते हैं अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये कैच है कि जो लोग बॉर्डर पे जाके फ्लैग पोलिंग करके अपना वर्क परमिट लेते हैं उससे बेहतर रहेगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें, दैट्स गोना बी मोर एडवांटेजियस आपके लिए इस केस में। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी है कि जो LMIA को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है, लोगों को लग रहा है कि LMIA बेस्ड वर्क परमिट ज्यादा नहीं लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो ड्यूरेशन है LMIA की वो कम कर दिया, विच मीन्स कि पहले जो LMIA थी वो 18 महीने के लिए वैलिड थी, ये भी पिछले दो सालों के अंदर अंदर चेंजेस आए। पहले जो LMIA होती थी वो 12 महीने के लिए वैलिड होती थी, फिर उन्होंने इसकी वैलिडिटी जो 18 महीने कर दिया। अब उन्होंने ये बोला कि ये जो LMIA
that's going to be valid only for 6 months, which means कि LMIA जैसे प्री अप्रूव करवा के कुछ employers उनको stock करके रख लेते थे और high price पे आगे बेचते थे, तो उस चीज को खत्म करने के लिए अब उन्होंने बोल दिया कि LMIA की जो validity है वो सिर्फ 6 months तक होगी, उसके अंदर अंदर work permit लगवाना है या application डालनी है। अगर उन्होंने time पे application work permit की नहीं डाली उस LMIA के ऊपर, तो वो LMIA अपने आप वो disqualify हो जाएगी या expire हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका LMIA बेस्ड वर्क परमिट लगने वाला है तो आप उसके लिए टाइम पे अपनी एप्लीकेशन डाल दीजिए। अगर आपको हेल्प चाहिए LMIA बेस्ड एप्लीकेशन डालने के लिए या क्लोज्ड वर्क परमिट पे आप डायरेक्टली कनाडा आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com। अगर इन तीनों अपडेट से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज है जो आपको क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिए और हमारी टीम उसके ऊपर आपको रिस्पांस जरूर दे देगी। अगर टूरिस्ट वीजा और स्टडी वीजा लगवाना है तो हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। हमारी टीम आपको सर्विस देगी मॉन्ट्रियल से, नॉर्थ वे, उसके साथ साथ हुशियारपुर पंजाब और हिसार हरियाणा से। अगर फिर भी आप चाहते हैं कोई और अपडेट है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाए, आपके साथ शेयर करें, तो प्लीज हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगर वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अगर इस YouTube चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस YouTube चैनल एंड हिट बेल बटन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत, हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।